आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्पॉट से फैट हटाना मुश्किल होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट बेली, लव हैंडल्स एंड थाइस। वेल, ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेली फैट स्टबन क्यों होता है एंड इस स्टबन फैट को कैसे हटा सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, कौन सा फैट बर्नर एंड ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ डाइट टू फॉलो टू गेट रिड ऑफ स्टबन फैट। नाउ गाइस, नॉट ऑल फैट सेल्स आर द सेम। आपके बॉडी में फैट भी अलग अलग टाइप का होता है। नाउ ये अलग अलग टाइप का फैट इज एक्चुअली एन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। फीमेल्स अपने हिप्स एंड थाइस पे ज्यादा फैट स्टोर करती है, वेयर एज मेन अपने बेली एंड लव हैंडल्स पे ज्यादा फैट स्टोर करते हैं to protect their internal organs. Now, मैं आपको एक डायग्राम के साथ दिखाऊंगा कि stubborn fat क्या होता है। So, guys, ये होता है fat cell. A typical fat cell has a nucleus, mitochondria, cytoplasm, and a fat reservoir. Now, on the basis of weight gain or weight loss, ये fat reservoir का size change होता है। अगर आप weight gain कर रहे हैं तो ये बढ़ जाता है, and if you're losing weight, fat reservoir का size कम होता है। जब आप fat loss कर रहे होते हैं, आपकी body कुछ fat burning hormones secrete करती है to burn fat. Now, hormones are actually message carriers. They carry certain messages and signals to certain parts of your body organs. Now, in fat cells के बाहर कुछ androgenic receptors होते हैं, called as alpha 2 and beta 2 receptors. ये receptors आपके hormones को read करते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। अगर आपके फैट सेल्स पे बीटा रिसेप्टर ज्यादा है, देन द फैट इज मोबिलाइज्ड इजीली, बिकॉज़ बीटा रिसेप्टर का काम होता है टू हेल्प मोबिलाइज फैट। बीटा रिसेप्टर्स प्रमोट लाइपोलाइसिस। सो अगर किसी सेल पे बीटा 2 रिसेप्टर्स की मात्रा ज्यादा है तो ये आराम से बर्न हो जाता है। बट अगर आपके फैट सेल्स पे अल्फा रिसेप्टर ज्यादा है तब ये स्टबर्न हो जाता है, बिकॉज अल्फा रिसेप्टर्स आर एंटी लाइपोलाइटिक। अल्फा रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्वड इन द इनहिबिशन ऑफ फैटी एसिड मोबिलाइजेशन। सो ये अल्फा रिसेप्टर्स वाले फैट सेल्स कहां मिलते हैं? ये आपके बेली पे, लव हैंडल्स पे एंड थाइस पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। दैट इज व्हाई दिस फैट इज स्टबर्न एंड नॉट इजी टू गेट रिड ऑफ। ये फैट जाता तो लास्ट में बट वापस सबसे पहले आ जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस स्टबर्न फैट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स इयर्स टू गेट आउट ऑफ शेप। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक दो महीने में फिट हो जाएंगे, आपका स्टबर्न फैट चला जाएगा। इट टेक्स टाइम, यू नीड टू बी पेशेंट। सो नंबर वन एंड द इजीएस्ट वे टू गेट रिड ऑफ स्टबर्न फैट इज टू एक्चुअली एड मोर प्रोटीन इनटू योर डाइट। 2018 में एक स्टडी की गई थी जिसमें रेजिस्टेंट ट्रेन फीमेल्स को दो ग्रुप में स्प्लिट किया गया था। रेजिस्टेंस ट्रेन मतलब ये लोग रेगुलरली जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं। नाउ इन दो ग्रुप्स में से एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स ने एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की थी, रफली 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, वेयर एज दूसरी ग्रुप ने एक लो प्रोटीन डाइट फॉलो की थी, रफली 0.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। नाउ हाई प्रोटीन ग्रुप एक्चुअली एक कैलोरी सरप्लस में थी, दे वर ऑन अ 250 कैलोरी सरप्लस एंड ये सारी कैलोरीज प्रोटीन से आ रही थी, सो दे वर कंज्यूमिंग 60 ग्राम्स ऑफ एक्सेस प्रोटीन। Whereas low protein group actually a calorie deficit में थी, they were on a 300 calorie deficit. Now 8 weeks के बाद the results will actually shock you. High protein group जो actually a calorie surplus में थी, they lost 2% body fat while increasing 2.1 kg muscle mass. So protein rich diet पे जाके एक तो उनका fat percentage कम हुआ, साथ के साथ उनका muscle mass भी बहुत ज़्यादा increase हुआ. Whereas low protein diet जो actually a calorie deficit पे थी, they lost only 1% body fat while gaining 0.6 kg muscle. So इस study से conclusion ये है that most of us will benefit by increasing our daily protein intake. मैं recommend करूंगा कि आप up to 1 gram of protein per centimeter height खाएं. So अगर आपकी height 6 feet है, you are 183 centimeters, you will consume roughly 183 grams of protein. I am just saying that lower your calories a little from carbs and fats and increase your calories from protein. Because A, protein has a muscle sparing effect. B, protein is more satiating. And C, protein burns more calories while digesting. So protein increase करके देखिए and you will notice कि आपका body composition कैसे change होता है। सो प्रोटीन इंक्रीज करने के लिए यू कैन आइदर कंज्यूम होल फूड्स लाइक मीट एंड पोल्ट्री और यू कैन आल्सो यूज वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। वे प्रोटीन के लिए आई रेकमेंड मसल ब्लेस बायोजाइम आइसोजीरो। आपको पर सर्विंग 27-28 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। काफी लोग मेरे से पूछते हैं, मोहित क्या मैं फैट लॉस के टाइम बायोजाइम वे यूज कर सकता हूं? आंसर इज यस, मोस्ट डेफिनेटली। बायोजाइम वे इज लो इन कैलोरीज एंड आल्सो वेरी टेस्टी, सो इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर योर फैट लॉस जर्नी। सो चेक आउट muscleblaze.com एंड यूज कोड बिगमैन फॉर एडिशनल डिस्काउंट। जब आप कोड बिगमैन यूज करते हैं, इट हेल्प्स मी create content like this absolutely free of cost. So thank you for supporting my channel. Make sure आप इस वीडियो को like करें and मेरे channel को subscribe करें. Next point, do fat burner supplements help with stubborn fat? Answer is yes. Yohimbine is the best natural fat burning supplement. Yohimbine specifically आपके alpha receptors and stubborn fat को target करता है. But there is a catch. Yohimbine तभी काम करेगा when you combine this with fasted cardio, because insulin will negate the benefits of Yohimbine. So yes, अगर आप अपने fat loss के last stage में सिर्फ 3 या 4 kg बचाए, then you can consider using Yohimbine for a short duration. Yohimbine is the only natural fat burner that has an androgenic effect. But ना तो मैंने Yohimbine use किया है, ना मेरे online clients ने. So talk to your coach or a medical professional before consuming this supplement. Third point, stubborn fat can be insulin sensitive. I think at this point आप सबको पता ही है that insulin is your fat store
storing hormone. Insulin can block your fat burning process. So stubborn fat can be a little insulin sensitive, and isko avoid karne ke liye, I recommend ki aap ek low insulin diet follow kare. To achieve this, you can add some green leafy vegetables, aap protein ko prioritize kare, and consume non-starchy carbohydrates. Intermittent fasting can also help with insulin sensitivity. Remember guys, in sab cheezo ke saath, calorie deficit rakhna is also compulsory. Make sure ki aap 25 to 35% ka calorie deficit maintain kare. Next point, focus on building muscle. Guys, muscle is your metabolic sink. Agar aapko wo fat hatana hai and lifelong dur rakhna hai, then you need to focus on increasing your muscle mass, because muscle is a metabolically active tissue. It can increase your basal metabolic rate. So jitna jyada aapka muscle mass, utna jyada aapka metabolism. So gym jaiye and start lifting weights to get rid of that stubborn fat. Follow a good workout program. Agar aapko mera workout program chahiye, which has helped me and hundreds of other individuals, then the link is in the description box. Next point, high intensity interval training, HIIT, can also help mobilize and burn stubborn fat. High intensity interval training mein aap short duration ke liye apni heart rate ko extremely high levels tak leke jaate, then you rest for a while and then you again repeat the same for at least 5 to 6 rounds. Aisa training protocol has time and again shown to be the best way to get rid of stubborn fat. But yes, HIIT is not for everybody. Agar aap ek beginner hain ya fir you're extremely out of shape, then HIIT is not for you, because HIIT se aapka heart rate extremely high jata hai. So if you don't have a clearance from your doctor, don't do it, and it can also be extremely painful on your joints if you're overweight. HIIT tab best hai jab aap already thoda fat loss kar chuke hain, you are in shape and aapko apna last 5 to 10 kgs kam karna hai, tab aap HIIT introduce kar sakte ho. Next point, increase your daily steps. Guys, gym mein to aap jaan laga dete ho, but baki ke din thoda activity rakhiye. Try to walk 10 to 12,000 steps on average. Aap 10,000 steps ka goal rakhiye and you will notice the fat melting away. Next point, abs ke liye best exercise kya hai? Guys, mere weight loss journey mein maine ek mistake ki thi, which was that I did not train my core. Maine bilkul ab exercises nahi ki thi, shayad isliye aaj mere abs itne defined nahi hain. But ab maine direct core training start kar diya hai, and hopefully agle 6-8 mahine mein I will have some midsection definition. Guys, core training mein mere ko to maza nahi aata, but I don't think you should skip it, because jab aap cut karenge, agar aap abs consistently train kiye ho, then you will have visible definition. Mere workout program mein I made sure to introduce the best ab training exercises as well. Guys, having abs is cool, but fitness ka matlab sirf abs nahi hota hai. There is a lot more to health and fitness. Being strong, being muscular and maintaining a healthy body fat percentage is what you should aim for. Shayad aap isse kafi sare log ke liye abs rakhna might not be sustainable, because you might have to be on a calorie deficit for months or years together. It doesn't come to you naturally. शायद आपको भूख ज्यादा लगती है, शायद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, शायद आपकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है एंड आप नेचुरली लीन नहीं है. डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, एवरीबॉडी कैन अचीव एब्स, बट उतना लीन रहना इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. सो इट इज ओके अगर आपके बेली एंड लव हैंडल्स पे थोड़ा फैट है. इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, इट इज नॉट अनहेल्दी. इसको हटाने में जान लग जाती है, बट अगर एक दो हफ्ता आपकी डाइट खराब हो जाए तो ये वापस भी आ जाता है. सोशल मीडिया हैज रुइंड आवर परसेप्शन ऑफ फिटनेस. अगर इंटरनेट पे एब्स ना हो तो कोई भाव नहीं देता, बट वी नीड टू बी बेटर देन दैट. देयर इज मोर टू लाइफ देन बीइंग स्टडीड फॉर 365 days. Yes, cut karna and abs achieve karna is fun, but it shouldn't come at the cost of your mental health or your physical health. Enjoy fitness guys, it's not that hard or strict. Thank you so much for watching guys. I hope is video se aapne kuch seekha. I'll see you in the next one. Bye bye.